हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीए ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेज राउंड 130। इसका इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा। सो प्रॉब्लम पे आने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है सॉल्यूशन समझने में, तो आप मेरे से कनेक्ट करें। मैंने इंस्टा लिंक या लिंकडिन लिंक सब पे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। सो आप वहाँ से ज़रूर विजिट करें। और अब बिना वेस्ट किया आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। सो प्रॉब्लम डिस्कस करें तो स्टोर सेल्स गिवन क्या क्या है ये पहले हम देखते हैं। सो द स्टोर सेल्स एन आइटम, द प्राइस ऑफ आईथ आइटम इज पी आई। कोई एक स्टोर है जो कि एन आइटम सेल करती है और हर एक आइटम का प्राइस पी आई है। द स्टोर मैनेजमेंट इज गोइंग टू होल्ड ए प्रमोशन, लाइक प्रमोशन प्रमोट करते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, इफ़ ए कस्टमर परचेज एटलीस्ट एक्स आइटम्स वाई चीपेस्ट ऑफ देम आर फ्री। अगर हम भी कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, तो ऐसा होता है ना कि ऐसा रहता बाय टू गेट थ्री। तो लेट्स से हम फाइव आइटम बाई करते हैं, तो जो दो कॉस्टलीस्ट होता है उसके प्राइस हमें पे करना होता है, राइट। तो सेम क्वेश्चन है, इन्होंने डाल रखा है कि ये दे रखा है कि एक्स अगर आप बाई करते हैं, एक्स आइटम बाई करते हैं, तो क्या करना है हमें, वाई हमारा फ्री होगा। वाई आइटम जो जो कम महंगा होगा वो फ्री हो, फ्री में मिलेगा। तो हमें पैसे कितने के पे करने होंगे, एक्स माइनस वाई आइटम के पे करने होंगे, जो महंगे आइटम हो, एक्स माइनस वाई महंगा आइटम। राइट, और प्राइस दे रखा है। तो हमें महंगा का अगर कॉस्टलीस्ट आइटम का हमें पे करना है, तो हमें क्या करना होगा, रिवर्स में सॉर्ट करना होगा एरे को। तो लेट से मैं सॉर्ट कर दिया 5 5 3 2 1। अब हमें क्या करना है, हमें थ्री आइटम लेना है और टू फ्री रहेगा, तो हमें खरीदना कितना है, वन आइटम खरीदना है, राइट। नहीं, हमें पे करना है वाई, क्या दे रखा है इन्होंने, वाई चीपेस्ट ऑफ देम आर फ्री। और फाइव फाइव थ्री टू वन है, राइट। थ्री आइटम हमें परचेज करना है, थ्री आइटम परचेज करना है और टू फ्री रहने वाला है। और हमें बताना है फ्री में जितने फ्री आइटम है उसके कितने कॉस्ट होंगे, फ्री आइटम के कॉस्ट, फ्री आइटम कॉस्ट, राइट। तो एक इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, प्रीफिक्स सम। लाइक हम ये भी कर सकते हैं, लाइक पहले मैं ब्रूट फोर्स अगर सॉल्यूशन डिस्कस करूँ फिर आता हूँ ऑप्टिमाइज पे। फाइव फाइव थ्री टू वन, तो रिवर्स शॉर्ट क्यों करना है ये आपको समझ में आ गया है। पहले ब्रूट फोर्स पे आते, अब हमें थ्री आइटम खरीदने थे, तो हमने ये तीन आइटम खरीदे, राइट। फाइव फाइव थ्री, इसमें से हमें दो आइटम फ्री मिलेंगे, तो ये दो आइटम फ्री मिलेंगे, तो टोटल कॉस्ट फ्री का है एट हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर ब्रूट फोर्स में जाए तो यहाँ से लाइक अगर थ्री आइटम सेल करना है, तो थ्री का हमने थर्ड इंडेक्स पे हमने पहुंचा, और यहाँ से कितने फ्री मिलेंगे वो हमने फ्री का ऐड कर लिया, तो इधर से हमने मूव करके ऐड कर लिया, राइट। बट इससे क्या होगा, हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, टी एल ई, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स मेथड है, थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन तो चलता है, तो हमें थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दूसरे कलर से लिखता हूँ। सो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीफिक्स सम, लगभग लोगों को पता हो, नहीं भी पता हो तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं। हमने अब तक क्या कर लिया था, रिवर्स में सॉर्ट कर लिया था, फाइव फाइव थ्री टू वन। प्रीफिक्स सम क्या होता है, स्टार्ट से पाँच है, फिर फाइव प्लस फाइव टेन, फिर फाइव प्लस थ्री थर्टीन, फाइव प्लस थ्री प्लस टू फिफ्टीन, फाइव प्लस थ्री टू वन सिक्सटीन, राइट। तो प्रीफिक्स सम आईएथ इंडेक्स पे अगर हम निकाल रहे हैं, तो प्रीफिक्स
आई माइनस वन प्लस प्राइस सही हो जाएगा, राइट। सिंपल प्रीफिक्स हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 5, 10, 13, 15, 16। ये डिवर्स करने के बाद इनका प्रीफिक्स सम है। अब हमें क्या बोला कि इसमें से हम कुछ आइटम बाई कर सकते हैं, लेट से 3 आइटम बाई करना था। तो प्रीफिक्स सम से क्या फ़ायदा होगा कि हम 3 आइटम में कितना कॉस्ट लगा रहे हैं, हमें थर्ड एलिमेंट डायरेक्ट ही बता देगा। मतलब तो पहले से ही एडेड है, तो हमने 3 आइटम इतना खरीदा तो इतना हमें कॉस्ट लगता, राइट, कॉस्ट लगता। और हमने कितना आइटम का पे किया, राइट, तो एक्स माइनस वाई आइटम का हमें पे करना था, कॉस्ट लगा, इतना हमें पे करना पड़ा एक्स माइनस वाई आइटम का। लेट से इस केस में 2 था, तो एक्स माइनस वाई यानी कि 1 का हमें पे करना पड़ा। तो कितना कॉस्ट लगा हमारा, ये 5 है, ये 13 है, तो हमारा फ्री आइटम कितना हुआ, फ्री का कॉस्ट कितना हो गया, 8। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हम प्रीफिक्स सम अगर लेते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक का सम हर बार पता होता है। तो ऑर्डर 1 में हम यहाँ से यहाँ तक का सम ले सकते हैं, और फ्री में केस में क्या है कि इस साइड से कहीं भी साइड से हमें ट्रैवर्स करना था, बट हमें ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट से इंडेक्स आई तक का सम निकाल लें, और ये जे ले लें, जे टू आई, तो सम ऑफ, सॉरी, जे टू आई इक्वल टू सम 0 to i माइनस सम 0 to j। इसका मैंने फ़ायदा उठाया, राइट, क्योंकि हमारा लेफ्ट इंडेक्स मैंने फिक्स कर दिया और इससे हमें हमें सबका सम पता, तो इसे नहीं तो ऑर्डर n स्क्वायर जाता है, राइट। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट होता है, प्रीफिक्स सम। सो अगर आपको, आपने इस पे प्रैक्टिस नहीं किया क्वेश्चन, तो आप प्रीफिक्स सम सर्च करके प्रॉब्लम ऑन प्रीफिक्स सम सॉल्व ज़रूर करें। और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया हो। एक बार मैं कोड शो कर देता हूँ, सो मैंने यहाँ इनपुट ले लिया, सॉर्ट कर दिया, फिर रिवर्स कर दिया, इसे रिवर्स सॉर्ट हो गया, और फिर मैंने ये बी में प्रीफिक्स सम है जो मैंने बात किया, प्रीफिक्स सम ये बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मुझे सिंपल क्या करना है, ये एक्स माइनस वाई मैंने निकाल लिया और बी एक्स माइनस बी वाई, राइट। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, पास भी करेगा, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने कर लिया था, आपने भी मैं होप करता हूँ कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ है तो अब आपसे हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरे मुझे भी हेल्प होगी थोड़ी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फाइनली मैं बता दूँ, ये वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।